हाँ जी, ध्यान दीजिए, न्यू कॉन्सेप्ट है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो मशीन आवर रेट भी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन अब जो करेंगे ना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। मशीन आवर रेट तो हमने पहले डन कर लिया है, अब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए ओवरहेड का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं क्या होता है ओवरहेड मतलब? एक्सपेंस, और इसे हम, अब बताइए कौन सा एक्सपेंस होता है, कौन सा एक्सपेंस होता है ओवरहेड का मतलब? फैक्ट्री का खर्चा है, एडमिन का खर्चा या सेलिंग का खर्चा? तो कॉस्टिंग में अगर मैं देखो अकाउंट्स की बात करूं एक्सपेंस, तो बताओ ये एक्सपेंस कौन सा है, कोई भी हो सकता है। सेम कॉस्टिंग में एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस कॉल्ड एज ओवरहेड। समझ में आई बात आपको? जैसे हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, मैंने बोला भाई एक्सपेंस में डालो, तो एक्सपेंस का मतलब ये थोड़ी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग का डालो, पी एंड एल का डालो, इस तरीके से। तो ऐसे ही ओवरहेड का मतलब क्या है, खर्चा, और किसी भी तरीके के एक्सपेंस को हम ओवरहेड बोलते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना। अब हम सीखेंगे खर्चे को बांटना। अब खर्चे को बांटने से मतलब है सर हमें बांटना कहाँ है ये तो पता चले, पहले हम देखेंगे बांटना कहाँ है और फिर क्यों बांटा जाता है वो समझेंगे, फिर कैसे बांटा जाता है वो समझेंगे, ठीक है ना। तो बांटना देखा जाए तो कभी भी फैक्ट्री होगा ना आपका, कोई भी फैक्ट्री, हमेशा इसके अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे, कोई भी फैक्ट्री हो दो डिपार्टमेंट होंगे। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट होगा? एक डिपार्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कौन सा होता है सर? जहां पे क्या होता है हमारा नॉर्मली प्रोडक्शन होता है, जहां पे सामान बन रहा होता है। एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। सर सर्विस डिपार्टमेंट क्या कौन सा होता है आप बता सकते हो? सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा होगा, कोई आइडिया आपको? जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है उसे सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, क्या वो फैक्ट्री में बैठ के माल बनाता है? वो तो गार्ड करता है, बाहर खड़ा है। अब मान लेते हैं एक कैंटीन है, ठीक है, कैंटीन है, कैंटीन का मतलब जहाँ पे स्टाफ खाना पीना खाते हैं। और ज़्यादातर फैक्ट्री में क्या रहता है, कैंटीन ना स्टाफ के लिए एक टोकन बेस्ड सिस्टम रखते हैं और फ्री रख देते हैं। बड़े कंपनी की बात कर रहा हूँ कि उनको क्या बोलते हैं कि महीने का आपको जैसे एक प्लेट फ्री मिलेगा, डेली के बेसिस पे कूपन देते हैं, वो रहता है सिनेरियो। एक तो स्कूल वाला कैंटीन है, पैसे दोगे तो खाओगे, नहीं है पैसे तो नहीं खाओगे, एक तो वो कैंटीन। तो या कॉलेज की कैंटीन की बात करें तो उस कैंटीन की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे कैंटीन का मतलब है फ्री खाना। और फ्री खाना मतलब यहाँ का जो भी कॉस्टिंग आएगा वो हमारा कहीं ना कहीं एक खर्चा होगा कंपनी के लिए। अब होता क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है, एक कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, दोनों यहीं पर खाना खाएंगे। अगर मेरा यहाँ पे मान लेते हैं 2000 रुपये खर्चा आ रहा है कैंटीन के अंदर डेली का, तो क्या सारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है? नहीं, कुछ किसका है, सर्विस डिपार्टमेंट का। तो इसलिए हम इस खर्चे को दो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। किस किस डिपार्टमेंट में? एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करना है वो तो एग्जामिनर और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। समझ रहे हो बात को आप? तो यानी हमारा क्या है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। क्या बांटना है हमें? सारे एक्सपेंसेस को उस डिपार्टमेंट में बांटना है। बेसिकली कितने डिपार्टमेंट होंगे? दो, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और एक होगा सर्विस। हाँ, ये पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरिंग के तीन डिपार्टमेंट है, कहीं पे ये ढक्कन बन रहा है कैप, कहीं पे ये बन रहा है, कहीं पे इंक डल रहा है, इसमें तीन डिपार्टमेंट हो गया।
उसको बोल देंगे हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को D1, D2, D3, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। सर्विस डिपार्टमेंट में भी एक नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा हो सकता है। एक डिपार्टमेंट रहे जहाँ पे गार्ड सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, एक डिपार्टमेंट है सिर्फ पैकिंग कर रहा है वो, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लेबर का एम्प्लॉय, मतलब कुछ भी हो सकता है फैक्ट्री के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर एक से ज़्यादा तो हमारे डिपार्टमेंट होने वाले हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी डिपार्टमेंट होगा और सर्विस का भी। कई बार ऐसा होता है सर्विस डिपार्टमेंट वाला जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के चीज़ों को यूज़ करता है, और कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला सर्विस डिपार्टमेंट को यूज़ करता है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे बांटने की, तो इसकी दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे हम इस चैप्टर में। सर दो तरीके का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में, लेकिन उसके अंदर भी दो स्टेजेस में बटेंगे। एक होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक होगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सीखना होगा, और इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को करने के मेथड्स अलग अलग है, वो सारे मेथड्स भी सीखने होंगे। इसमें इक्वेशन मेथड है, ट्रायल एंड रन मेथड है, अलग अलग मेथड है इसके अंदर, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो जैसे जैसे करेंगे तो वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है टॉपिक का थीम? जी टॉपिक का थीम है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो खर्चा होगा, और खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? या तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में या फिर सर्विस डिपार्टमेंट में। इसको डिपार्टमेंट कितने पार्ट्स में करेंगे? दो पार्ट में, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके भी कुछ मेथड्स है जो कि हमें सीखना है। जब हम ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? नॉर्मली अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम दो डिपार्टमेंट बांट लेते हैं, जैसे एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। यहां पे दो हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, M1 M2। सर्विस में भी दो हो सकते हैं, S1 S2 हो सकता है ना। अब मैं बोलता हूं रेंट का खर्चा है, रेंट तो पूरे फैक्ट्री का ही होगा, है ना? जैसे पूरे फैक्ट्री का रेंट जा रहा है मान लो 50,000, तो क्या 50,000 में सारा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला ही है? क्या सेकंड वाला है? क्या सर्विस डिपार्टमेंट वाला है? सभी है। तो रेंट को क्या करेंगे हम? हर किसी में बांटेंगे। तो सर रेंट को बांटने का क्या तरीका होगा? सिंपल सी बात है, हम एरिया के हिसाब से बांटेंगे। मशीन आवर रेट में अभी यही देखा है ना कि जितना एरिया, मान लेते कि मैन्युफैक्चरिंग M1 जो है वो 80% एरिया, ये 20 जिस हिसाब से परसेंटेज है उसके हिसाब से। सर अगर एरिया नहीं गिवन तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट देंगे। सर अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन तो कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। यानी एक चीज़ को बांटने के जैसे ना, ये नहीं तो ये, तो वो भी हमें एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके हमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि इसको रेंट को कितने तरीके से किस किस रेशो में बांटा जा सकता है। सिंपल, रेंट के साथ मान लेते हैं होगा लाइट, लाइट भी एरिया में भी बढ़ सकता है, लाइट पॉइंट में भी बांटा जा सकता है, हो सकता है ना। ऐसे मैं अगर बोलूं कि आपका फॉर एग्जांपल के कैंटीन एक्सपेंस, तो कैंटीन एक्सपेंस किस में बटेगा? सर ये लेबर में बट सकता है, नंबर ऑफ लेबर में। मान ले यहाँ तो 20 लेबर, 10 लेबर, 15 लेबर, 20 लेबर, तो इस रेशो को मैं बांट देंगे। समझ रहे हो क्या सीखने वाले इसके अंदर? तो सिंपल सा है एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस वाले पोर्शन में। देखो मशीन आवर रेट का जब क्वेश्चन आएगा तो वो सेपरेट क्वेश्चन आएगा। आपने मशीन आवर रेट के क्वेश्चन कर लिए, पूरा चैप्टर करोगे तो आपको रियलाइज होगा सर मशीन आवर रेट का तो कहीं किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन ही नहीं था, वो तो अलग ही वे में चला गया। ये करेंगे तो इसका वे बिल्कुल अलग होगा। तो आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इसके बेसिस पे जो हम कर रहे हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाए और मशीन आवर रेट पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस चीज़ को किस रेशो में बांटना, एक बार वो देखेंगे। एक बार फटाफट से आप बस ये नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। एक बार ये नोट कर लीजिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस होगा, और इसको दो है प्राइमरी और सेकेंडरी,
उसके बाद आप नोट भी करिएगा, मैं साथ के साथ यहाँ लिखता जाऊँगा कि किस खर्चे को किस रेशियो में बांटना चाहिए। इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है कि इजीली फटाफट कर पाए हम। कर लिया, डन, मिटा दूँ इसे, मिटा दिया दूँ। मिटा दो, जल्दी करो जल्दी करो। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा ना, कुछ पॉइंट्स तो मैं यहां पे लिखूंगा किस किस में किसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कुछ पॉइंट आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। अच्छा, रेंट है तो एरिया में बटना चाहिए, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन किस में बट सकता है, मशीनरी में या मशीन आर्स में बट सकता है या कैपिटल में बट सकता है, इंश्योरेंस किस में बटेगा, कैपिटल में। तो कुछ एक पॉइंट आपको खुद दिमाग लगाना पड़ सकता है और कुछ एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपके बुक में भी हालांकि गिवन है, मैं कुछ हेडिंग भी कर दूंगा। ये हमारा ओवरहेड है, यहाँ बेसिस ऑफ, इधर ध्यान दीजिए, इधर बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ये किसका चल रहा है? पहले हम प्राइमरी सीख रहे हैं, ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ओवरहेड का मतलब क्या है? एक्सपेंस। और बेसिस ऑफ अपोर्समेंट या फिर बेसिस ऑफ आप कह सकते हो, रेशो कह सकते हो उसको, सिंपल वर्ड में इसे आप रेशो भी कह सकते हो कि किस खर्चे को किस रेशियो में बांटा जाएगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्री रेंट। सर फैक्ट्री रेंट को हम कैसे बांटेंगे सभी डिपार्टमेंट के अंदर, जो मैंने एग्जांपल लिया था कैसे बांटेंगे? तो वैसे तो हमें पता है एरिया में बांट सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। या तो बट सकता है आपका अकॉर्डिंग टू फ्लोर एरिया, या तो एरिया के हिसाब से, या फिर बट सकता है आपका कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। दो पॉइंट्स में बांटा जा सकता है। ये क्या बांटा जाएगा? फैक्ट्री का रेंट। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा पता चल जाएगा हमें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर दो, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। सर ये किस में बटेगा? ये बटेगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में बांटिए, या इसके अलावा मैं कॉमा लगा रहा हूँ फ्लोर एरिया। एरिया में आप समझ जाएंगे, फ्लोर एरिया की ही बात कर रहा हूँ। या बांट सकते हैं हम आवर यूज, जितने घंटे आपका यूज होगा, या बांट सकते हैं हम वॉट में। वॉट का मतलब क्या है? पावर, जैसे किलो वॉट होता है ना, तो या तो वॉट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। किसको? हीटिंग एंड लाइटिंग को। समझ रहे हो बात? तो आपके पास ऐसा नहीं है कि लाइटिंग और हीटिंग दिया तो आपको हमेशा लाइट पॉइंट मिलेगा, हमेशा एरिया, कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें से आपको ढूंढना होगा, उसी के अकॉर्डिंग बांटेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड, इंश्योरेंस।
सर इंश्योरेंस जो बटेगा वो बटेगा कैपिटल वैल्यू में, कैपिटल वैल्यू में, या फिर बट सकता है हमारा नंबर ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, नंबर ऑफ मशीनरी, या फिर मैं बेहतर होगा मैं लिख दूं नंबर ऑफ एसेट, समझे, या तो कैपिटल वैल्यू या नंबर ऑफ एसेट्स में। इसके बाद बात करते हैं हम और किस में बढ़ सकता है, इसके बाद इंश्योरेंस फोर्थ नंबर, डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन किस में बांटेंगे, सर डेप्रिसिएशन बिल्कुल बांटना हमें है वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीनरी में, समझ में आ जाएगा ना, या तो आपके पास तो रजिस्टर आपको सामने सामने मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, सर इलेक्ट्रिक पावर है तो हीटिंग एंड लाइटिंग क्या था वो अलग है, जो ट्यूबलाइट जल रहा है उसे बोलेंगे हीटिंग, लाइटिंग का पॉइंट हो गया। पावर का मतलब जिस इलेक्ट्रिसिटी से बिजली यूज हो रहा है, और पावर के तो बड़े क्वेश्चन करें हमने मशीन आवर रेट में। तो अगर मैं पावर की बात करूं, अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर के अंदर देखा जाए तो हॉर्स पावर, हॉर्स पावर सात के साथ आप बांट सकते हो इसको मशीन आवर में, नेहा कुछ दिख नहीं रहा मुझे तो यहाँ पे, एक बार कोई बच्चा है जिसके पास एप्लीकेशन हो देखना, चेक करना एप्लीकेशन में विजुअल है या नहीं है। जिसका नहीं हो रहा एक काम कर सकते हो आप, उसको एप्लीकेशन को बंद करके, कितने बच्चों को यहाँ पे ब्लर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, सर विजुअल है, बच्चे बोल रहे हैं विजुअल है, तो आप एक बार एप्लीकेशन क्लोज करके चलाइए आपको दिखेगा, ठीक है। मैं था इलेक्ट्रिक पावर पे, इसके बाद है सुपरविजन, सुपरविजन क्या होता है एक तरीके से सैलरी सुपरवाइजर की, तो सुपरविजन में क्या क्या होता है यहां पे, नंबर ऑफ वर्कमैन, नंबर ऑफ वर्कर कर देते हैं, और सर किस में बटेगा ये, और बट सकता है अमाउंट ऑफ वेजेस, अमाउंट ऑफ वेजेस, सर और किस में बट सकता है एरिया में। तो जैसे जैसे मैंने ऑर्डर लिखा है ना लास्ट ऑप्शन, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें तो एरिया भी पता है और कैपिटल वैल्यू भी पता है, अब रेंट किस में बांटे बताओ, दोनों मिल गया, आपको एरिया भी पता है कैपिटल वैल्यू भी पता है, तो आप बोलोगे सर अब किस में बांटे, हम कैपिटल वैल्यू में बांटे, तो प्रायोरिटी आपको क्या रखना है, तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रख रहा हूं मैं यहां पे, समझ रहे हो बात आपको। इसके बाद है स्टोर ओवरहेड, स्टोर ओवरहेड, सर स्टोर ओवरहेड में क्या रहेगा, नंबर ऑफ या वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जैसे परचेज हो गया, ठीक है ना, और स्टोर ओवरहेड क्या होते हैं, खर्चे जो स्टोर से रिलेटेड है, एक्सपेंस हो गया, कोई भी स्टोर ओवरहेड बोलेगा इसमें बढ़ जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज मटेरियल के रख रखाव का खर्चा,
जैसे क्या होता है स्टोर के अंदर आपने एक बार में बहुत सारा मटेरियल लाया तो स्टोर में रखोगे तो वहाँ स्टोर कीपर भी रखोगे, तो वो खर्चे की बात कर रहे हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वेट में, सर वेट ऑफ मटेरियल में, और किस में बांटेंगे इसको, वेट ऑफ मटेरियल के बाद इसे बांटेंगे बस वेट ऑफ मटेरियल और एनी अदर फैक्टर लिख देता हूं, एनी अदर फैक्टर, कौन सा था ये, हाँ तो हॉर्स पावर है ना, हॉर्स पावर। जब कभी भी कोई मशीनरी वगैरह की कैपेसिटी नापनी हो, तो कार का कैसे कैपेसिटी ना, तो एक तो क्यूबिक कैपेसिटी है सीसी, और उसे हॉर्स पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी व्हीकल्स का या मशीनरी की कैपेसिटी कितना पावरफुल है, यानी हॉर्स, जैसे कि बोलते हैं टू हॉर्स पावर, तो सिंपल सी बात है हॉर्स का मतलब घोड़ा ही है, कि एक कार में इतनी कैपेसिटी है, इतनी स्पीड से वो मतलब के काम कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो किसी भी इंजन पावर को नापने का या मेजरमेंट करने का तरीका हॉर्स पावर से भी किया जाएगा। आप देखना कभी भी, आप सिंपल सा आज जाना यूट्यूब पे देखना कार के स्पेसिफिकेशन, उसमें फटाफट बोल देगा ये BHP एक होता है किस तरीके से वो काम करता है, दूसरा इतने हॉर्स पावर का है ये। तो जितना ज़्यादा हॉर्स पावर का आप देखोगे ना कार, उतना महंगा होगा वो, क्योंकि उसकी क्या है, पावर ज़्यादा है उसमें, ठीक है। ये तो मैंने बताया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये अगर हम सारा का सारा देखें तो क्या सारे क्वेश्चन हो सकते हैं? सारे क्वेश्चन तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपको लॉजिकली भी समझना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चलेगा सर ये नहीं लिखवाया था, तो वहां पे लेकिन आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये इसमें बटना चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट एक बार नोट करिए, फिर जितना काम हमने किया है ना इस काम के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, जितना काम अभी हमने किया है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आज नहीं कर रहे हैं, हम आज क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी वाला। तो एक बार नोट करिए फटाफट, तो चलिए हम देखते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या देखा हमने, कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे खर्चे को बांटा जाएगा। सर खर्चे को कैसे बांटा जाता है, हमारा एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, आपके दो डिपार्टमेंट से, उसमें एक होता है हमारा कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और एक होता है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट। इन दोनों में बांटा जाएगा, और इन दोनों में बांटने के कई सारे मेथड्स हैं जो कि हम सीखेंगे, जैसे कि हो सकता है इक्वेशन मेथड हो, जैसे कि हो सकता है रिपीटेड एरर मेथड हो, जैसे हो सकता है ट्रायल एंड एरर मेथड हो, अलग अलग नाम है। सर इस डिपार्टमेंट के खर्चे को कैसे बांटा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैक्ट्री रेंट है, तो रेंट में डिपार्टमेंट की बात करूँ तो अगर मैं मान लेता हूँ रेंट की बात और सर्विस डिपार्टमेंट, तो हमारे पास डिपार्टमेंट हो सकता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वन हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टू हो, सर्विस डिपार्टमेंट वन हो, सर्विस डिपार्टमेंट टू हो, सर्विस डिपार्टमेंट थ्री, ऐसा भी पॉसिबल है। तो रेंट जो है उसका यूज़ तो ये सारे डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो रेंट बांटा जाए डिपार्टमेंट वन में तो ये भी गलत होगा, सर सारा इसने थोड़ी ना यूज़ किया है। अगर डिपार्टमेंट टू में बांटा जाए तो ये भी गलत होगा, इसने यूज़ थोड़ी किया, तो इसको हमें बांटना है सभी में, तो कोई ना कोई तो रेशो पता होना चाहिए बांटने का, तो उसी रेंट को बांटने का रेशो होगा एरिया, अगर एरिया नहीं पता तो कैपिटल वैल्यू में बांट दो, दोनों में से कुछ तो देगा ही देगा। अगर दोनों देता है तो किस में बांटेंगे, एरिया में। सेम ऐसे हीटिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब आप यहाँ पे मान लो ट्यूबलाइट वगैरह, तो हीटिंग एंड लाइटिंग के केस में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट में पहले आप कोशिश करना अगर दे रखा है, नहीं तो फिर एरिया में बांटेंगे, लास्ट में हमारा आवर यूज या फिर किलो वॉट, मैंने वॉट लिख दिया है, एक्चुअल में ये होता है किलोवाट के हिसाब से। आगे देखा जाए तो अगर आपका इंश्योरेंस होता है तो कैपिटल वैल्यू में, और कई बार नंबर ऑफ एसेट्स में भी बांट दिया जाता है।
आगे देखें डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाओगे तो मशीनरी की वैल्यू में क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पावर की बात करें तो पावर का मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अगर पावर यूज होगा या तो हॉर्स पावर में हो सकता है या मशीन आवर में हो सकता है। मशीन आवर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मशीनरी कितना यूज हो रहा है, 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे। अभी एक क्वेश्चन मैं करूँगा, आपके बुक का इलस्ट्रेशन वन ही करूँगा जिसमें सब क्लियर हो जाएगा। सुपरविजन मतलब सैलरी, चाहे आपका वेजेस हो, चाहे वर्कर हो, चाहे सुपरवाइजर, कोई भी वेजेस मिले तो नंबर ऑफ वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट करिए। मान लो 1,00,000 बांटा है आपने तो उसे नंबर ऑफ वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या अमाउंट ऑफ वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या एरिया में, लास्ट ऑप्शन है। स्टोर ओवरहेड, जो स्टोर में होने वाले खर्चे, स्टोर का मतलब जिन्होंने मटेरियल चैप्टर किया होगा उन्हें अच्छे से पता होगा मैं स्टोर किसको बोल रहा हूँ। स्टोर लेजर किया था ना जब बिन कार्ड वगैरह आया था, तो स्टोर ओवरहेड जो स्टोर में होने वाले खर्चे वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में बटेगा। इसके बाद मटेरियल हैंडलिंग चार्ज, मटेरियल को रख रखाव के खर्चे वेट ऑफ मटेरियल या एनी अदर फैक्टर जो सूटेबल लगे उसमें बांट देंगे। अब यहाँ तक फटाफट से आप नोट कर लीजिए, अगर आप सभी का नोट हो गया ये वाला पॉइंट तो फिर मैं एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 लूँगा और फॉर्मेट भी देखेंगे कि किस तरीके से किया जाए। सबका डन हो गया, मिटा दूँ इसे, मिटा दिया जाए। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5.1। कहता है फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2016। दिसंबर का आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले कहता है इनडायरेक्ट मटीरियल और एक कहता है इनडायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कुछ, और यहाँ पे कुछ आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीचे भी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट, और स्टोर डिपार्टमेंट का भी मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट। जहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। तो यहां पे देखोगे तो तीन एक्स वाई एंड जेड, तो अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक एक्स गिवन है, एक वाई गिवन है और एक जेड गिवन है। ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का मतलब जिसे मैं बोल रहा था मैन्युफैक्चरिंग। अब सर्विस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट में पी एंड क्यू, नाम इसने पहले से अलॉट किया है, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से रख दोगे, उसको बोल दिया कि हम इसको ये मानेंगे इसको ये मानेंगे, दो डिपार्टमेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कुछ आपके इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं आपको पहले से हर डिपार्टमेंट के, तो आपका मैं यहां पे लिखूं तो इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज गिवन है तो इसका मतलब आपको इसको बांटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले से बता रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स का 950 है ना, तो क्या इसे बांटेंगे हम, हमें बांटना तो उसका पड़ेगा जो बता रखा टोटल खर्चा जी ये है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना, तब हमें दिमाग लगाना है उस टेबल में। जब मैं बोल दूं इसका खर्चा 400 रुपये है तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको पता ही है तब तो। तो सेम यहां पे क्या कहता है, इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में आपका 950 बताते जाओ 1200 और 450। इसके साथ साथ के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर, और यहां पे क्या लिखें बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन या बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या लिखोगे, किस रेशियो में बांटा है नहीं पता तो ऑलरेडी एलोकेटेड, एलोकेटेड का मतलब होता है बांटना, ठीक है ना, या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो। तो यहां पे देखा जाए तो एलोकेशन पहले से ही है और ये भी पहले से एलोकेशन है। इसका एलोकेशन बताइए लेबर का 900, 1100, 300, 1650। पहले आप यहां तक मुझे बताइए, मैं इसको लाइन भी खींचता जाऊंगा ताकि क्लियर रहे, है ना। ये यहां से लाइन खींचना चालू कर देते हैं, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या। अब हेडिंग देखो, पहले लिखा आइटम क्या बटेगा, उसके बाद बेसिस,
किस रेशो में बांटोगे, उसके बाद टोटल कितना बांटा है, तो टोटल हम इन सभी को टोटल करके यहां लिख लेंगे, समझ रहे हो। इसके बाद है प्रोडक्शन में कौन कौन से डिपार्टमेंट है और सर्विस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, समझ में आई बात आपको। तो आप टोटल बता दीजिए मुझे, इसका टोटल क्या आ रहा है, कितने, 4,250 और इसका टोटल 650 है, ठीक है 650 लिख दिया, कितने 3950। अब एक चीज बता, चलो आगे देखते हैं, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कहता है पावर एंड लाइट का खर्चा जी 6000 है, ये लो पावर एंड लाइट का खर्चा कितना है, तो लिख लेते हैं पहले। तो अब 6000 मैं इसमें डालू, 6000 टोटल में तो डालूंगा ही डालूंगा, अब इसमें 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 कितना कितना डाले, समस्या आ गई। अब पावर लाइट किस में बांटते हैं, लाइट पॉइंट में बांट देते हैं, एरिया में भी बांट देते हैं। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है, कैपिटल वैल्यू गिवन है, आगे देखोगे क्वेश्चन में किलोवाट गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है और आपको नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन गिवन है। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने लिखवाया था कि अगर आपका पावर गिवन है तो प्रायोरिटी कैसे कैसे लिखवाया, नंबर देखो आप, अभी लिखवाया आपको मैंने रजिस्टर में, देखो मैंने क्या बताया था, अगर पावर हो तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट गिवन हो तो फ्लोर एरिया, या फिर आपका आवर यूज, सॉरी ये मैंने लाइट का बता दिया। पावर के केस में क्या था, हमारा हॉर्स पावर था, मशीन आवर में था, ठीक है ना। अब हॉर्स पावर कह लो मशीन आवर कह लो, जो हमें पावर दे रखा है यहाँ पे पावर एंड लाइट का 6000 रुपये, तो इसको बांटने के लिए हमें यहाँ पे हॉर्स पावर या फिर वॉट या किलो वॉट, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में देखो तो आपको किलो वॉट आवर गिवन है, मिल गया किलो वॉट आवर, क्वेश्चन में ऐसे जैसे जाओगे तो आपको गिवन। देखो एक तो सबसे पहले एरिया, एरिया में तो पावर को मैंने बोला नहीं है, मिल रहा है आपको क्वेश्चन में, देखिए दिख रहा है। उसके बाद है कैपिटल वैल्यू, ये बाद की बात है, अभी तो नहीं बटेगा। किलो वॉट आवर कहीं ना कहीं ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन में, लेकिन क्या पता हमें दूसरी चीज़ें भी मिल जाए। नंबर ऑफ एम्प्लॉई, पावर में एम्प्लॉई का कोई कनेक्शन ही नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट लेबर, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है इसमें से, किलो वॉट, तो हम इसे बांटेंगे किस में, किलो वॉट में। और किलोवाट में बांटने का क्या तरीका है हमारा, 6000 को बांटना है इसमें। अब देखिए मैंने कहा था आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है। अब 6000 को बांटना किस रेशो में, 4000:4400:1600:1500। अब इसको बांटने अगर आप लगे नॉर्मली तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो बहुत सारे आइटम बांटने हमें और हर किसी का रेशो क्या है अलग अलग, तो बेहतर रहेगा कैलकुलेटर पे किस तरीके से बांटा जाए। मेरा कैलकुलेटर कौन ले गया, इधर दे दो। तो हमें 6000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहले टोटल कर लेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें बांटना है रेशो को टोटल करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं देखूँ तो ये रेशो दे रखा है, क्या है, 4000+4400+1600+1500 बस ये 12000 आ गया, 12000 ये 12000 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली सारा मैंने इरेज कर दिया कैलकुलेटर पे, ध्यान देना, 6000 डिवाइडेड बाय 12000 और इक्वल टू प्रेस करना है, ध्यान रखना है, 6000 डिवाइडेड बाय 12000 और इक्वल टू कर दिया। अब कुछ नहीं छेड़ना अभी, अब एक बार मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक बार, बार बार दो बार करोगे काम खराब हो जाएगा। कितने बार करना है, एक बार। पहला क्या था हमारा, 4000, पहला 4000, तो 4000 बस इक्वल टू, दो बार इक्वल टू करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इस हिस्से में आया 2000। दूसरा क्या है,
दूसरे का बताओ क्या दे रखा है, 4400। तो 4400 और इक्वल टू, और कुछ नहीं करना आपने, कोई प्लस नहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ अमाउंट डालिए और इक्वल टू, और इक्वल टू दो बार करेंगे गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 2200। उसके बाद बताइए क्या अमाउंट है उसमें, 1600। ये है यहीं पे, बस आपने करना है 1600 और इक्वल टू, बट रहे अपने आप कितने आ गए 800, हटाना ही नहीं है बस लिखना है। देखो 800 है मेरे सामने, मैं हटा नहीं रहा। बताओ अगला क्या है, कितने, मैं सीधा लिखूंगा 1500 और इक्वल टू 750 आएगा, यानी इसमें बटेगा 750। अगर दो बार इक्वल टू कर दिया सारी मेहनत खराब। अगला क्या है, 500 और इक्वल टू 250 इसमें बटेगा। अब इन सभी को जोड़ लो 6000 ही बनेगा, इन सभी को ऐड कर लो 6000। तो हमने क्या करा, इसको कैलकुलेटर के फॉर्मेट में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें बार बार नहीं करना, कुछ बच्चे क्या करेंगे हर बार रेशो करेंगे तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, मैं टाइम से बचाना चाहता हूं बस आपको, समझ में आया। एक और करेंगे, अगला क्या है, जब आप जाओगे फिफ्थ सेमेस्टर में तो उसमें सारे जितने भी फंक्शन है कैलकुलेटर के सारे सीख जाओगे, यूज करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज बिना हो ही नहीं सकता कैलकुलेटर के। अगला दे रखा है हमें रेंट। अब आप अपने मन से पूछो रेंट को किस में बांटना चाहिए, क्या एरिया हमें पता है, क्वेश्चन में एरिया पता है भाई, जो लाइव में बच्चे हैं वो भी बताते जाए एरिया। अब एरिया का बताओ, हमारा जो रेंट है वो टोटल अमाउंट कितना है, बुक में से देख के बताओ फटाफट, टोटल कितना है, टोटल क्या है 2800। अब इस 2800 को इसमें 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 बांटना है, तो जो रेशो दे रखा है सारे रेशो को जोड़ लीजिए, बताओ कितने कितने, बताओ मुझे जोड़ के, जोड़ लिया आपने, मुझे अमाउंट भी बता दो ना एक बार, 4000 प्लस 14000 आ गया, ठीक है। अब हमें इस सबको हटा देना, हमें पता चल गया रेशो का टोटल क्या है 14000, और इसका पता है 2800। क्या करेंगे, 2800 डिवाइड 14000, बस अभी कुछ नहीं करना, बस कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई एक बार डाल दिया, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 2800 डिवाइडेड बाय 14000 इक्वल टू, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एक स्टेप बढ़ गया हमारा, समझ रहे हो। दोबारा करके दिखाऊं या समझ में आ गया, पहले एक बार 2800 प्रेस किया, सारे रेशो का टोटल आपका 14000 है तो डिवाइड करेंगे सिंबल, और क्या डालेंगे हम 14000, कोई बटन प्रेस नहीं करना। अब बस एक बार इनटू प्रेस करके छोड़ दो, क्या करा पहले डिवाइड का सिंबल करा फिर इनटू कर दिया और कुछ भी नहीं करा। अब एक एक करके बताते जाओ, पहले में क्या है, तो हमें अब कुछ नहीं करना, सिर्फ करना है 4000 इक्वल टू, क्या करा 4000 कितना आया, अगला क्या बताओ, फिर 4000, फिर से देखो 4000 इक्वल टू, फिर 800 ही आएगा, फिर क्या है, फिर से देखो 3000 इक्वल टू, हमें कोई बटन नहीं प्रेस करना, कितने आ गए 600, इसके बाद 2400, इसके बाद 1000, ये आ गया 200 आ गया, लो बट गया, यानी हमें थोड़ा टाइम बचेगा। जिसको भाई काट पीट के करने की आदत है वो कर सकते हैं, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, निकाल तो वो भी सकते हैं, समझ में आई बात आपको, ये लो। अगला क्या है हमारा, इंश्योरेंस, बताइए इंश्योरेंस किस में बांटे, वैल्यू कैपिटल हमें दे रखा है नहीं दे रखा, तो क्या है इंश्योरेंस का, कैपिटल वैल्यू में बांट दे, अमाउंट बताइए 1000। अब जिन जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है या जिसके पास नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रेशो को टोटल कर लेंगे, रेशो का टोटल क्या बन रहा है, टोटल करिए, समझ में आ रहा है, रेशो का टोटल 4000 है, 4 लाख, कोई बात नहीं 4 लाख है, तो 1000 डिवाइड 4 लाख, अब मल्टीप्लाई कर दिया बस,
कुछ बच्चे ये मत सोचे कितनी बार जीरो के बाद 25, आपने थोड़ी लिखना है, आपने तो सीधा क्या लिखना है, अमाउंट। पहला अमाउंट क्या है बताइए कैपिटल का, 1 लाख इक्वल टू 250। दूसरा अमाउंट 1,20,000 इक्वल टू 300। तीसरा अमाउंट 80,000 इक्वल टू 200। इसके बाद 60,000 इक्वल टू कितने, 150। इसके बाद 40,000 इक्वल टू 100। लो जी बट गया, समझे बात। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या बांटना है, मील चार्ज किस में बटना चाहिए। मील का मतलब क्या होता है, खाना। अब खाना कौन खाएगा, एम्प्लॉय। तो आपको क्लियर है, देखो मील चार्ज मैंने टेबल में नहीं लिखा था, लिखा था कहीं मैंने मील चार्ज, नहीं लिखा था, लेकिन लॉजिकली आपको सोचना होगा मील तो किस में बटना चाहिए हमारा, नंबर ऑफ, क्योंकि अब देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। तो आप ध्यान से देखोगे एरिया, कैपिटल, किलोवाट में तो मील चार्ज बटेगा नहीं भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और एक डायरेक्ट लेबर आवर है। तो डायरेक्ट लेबर आवर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट लेबर आवर से कोई मतलब नहीं होता कि 8 घंटे काम करेगा एम्प्लॉय तो खाना मिलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बटेगा। तो हम इसे किस में बांट देंगे, नंबर ऑफ, तो जो आपने वहां पे टेबल लिखा है उसके अंदर नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेस, आप क्या कर सकते हैं मील चार्जेस, और उसमें बांट सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। चलिए चलिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले मील चार्ज बताइए क्या है, मील चार्ज क्या है 3,000 जी, 3,000 लिख लिया। अब टोटल बताइए रेशो का, 300 ना, बस 3,000 डिवाइडेड बाय 300 इनटू बताइए पहले का कितना, 90,900 आ गया। दूसरे का 120, 1200 आ गया। तीसरे का 30, 300 आ गया। 40, 400 आ गया। और 20, 200 आ गया। बताइए कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। अब आगे देखा जाए तो क्या है, मील चार्ज के बाद डेप्रिसिएशन, आपको अच्छे से पता है डेप्रिसिएशन किस में बटेगा, और कहता है डेप्रिसिएशन 6% पर एनम ऑन कैपिटल वैल्यू, और हमें प्रिपेयर करना है सिर्फ दिसंबर का, हमें प्रिपेयर करना है दिसंबर का। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो बटेगा वैल्यू ऑफ मशीन में, या तो आप वैल्यू ऑफ मशीन में बांट लीजिए या हर बार के मशीनरी को कंसीडर कर लीजिए। पहले साल का मशीनरी क्या है बताइए, मशीनरी का वैल्यू 10 लाख था, 1 लाख था, 1 लाख था ना, तो 1 लाख पे 6% लगाइए, ये 12 महीने का हो गया, और हमें बांटना है 1 महीने का, तो डिवाइड क्या कर दें 12, पहली बार का 500 आ गया, समझे बात। दूसरे साल में क्या है बताइए, दूसरे मतलब डिपार्टमेंट वाई का, 1,20 कितने परसेंट, 6% डिवाइडेड बाय 12, 600। अगला बताइए 80,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12, 400। अगला 60,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12।